शहर की सबसे पॉश कॉलोनी न्यू कॉलोनी गुमानपुरा प्रशासन व नगर निगम की अनदेखी के कारण दुर्दशा का शिकार हो रही है। हालत यह है कि सबसे साफ सुथरी माने जाने वाली यह कॉलोनी पूरी तरह कचरा कॉलोनी बनी हुई है। सड़कें पूरी तरह उखड़ी हुई हैं, नालियां जाम हैं, पानी सड़कों पर बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि वर्षों से इस कॉलोनी पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सालों से यहाँ रहने वाले लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि किसको अपनी अपनी व्यथा सुनाएं, पार्षद सुन नहीं रहे, निगम अधिकारी ध्यान दे नहीं रहे, महापौर काम पर नहीं रहे। सबको कई बार लिखित में दे दिया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कॉलोनी में सालों से रह रहे महावीर सिंह सिसोदिया, रणवीर सिंह साहनी, प्रीतपाल सिंह साहनी, प्रेम बिहारी, चेतन जैन, दिलीप रावतानी, सत्यपाल साहनी व विमल जैन आदि ने SCN के समक्ष अपनी समस्या दिखाते हुए बताया कि यह आवासीय कॉलोनी अब कमर्शियल कॉलोनी बनती जा रही है। लोगों ने घरों के आगे अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ वहाँ वाहन खड़े किए जाते हैं जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। लोगों के घरों के बाहर अन्य लोग अपने वाहन खड़े कर जाते हैं। विमल जैन ने बताया कि उनके मकान के पास खाली भूखंड है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके कारण उनके मकान में दरारें आ गई हैं, मच्छर फैल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह भूखंड एक नामी पुलिस वाले का है जिसके कारण कोई इसकी शिकायत भी नहीं करता। साल हो गए इस चीज़ को, हम लोगों ने कई बार नगर निगम में भी बोला, सब्जी के बोला है, इससे काफ़ी परेशानी है। मकान की ये नींवें भी कमज़ोर होती जा रही हैं और मच्छर बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, आए दिन परेशानी होती है, बीमारी का घर है पूरा। हमने कई बार निगम को सबको सूचित कर दिया, कलेक्टर तक को भी बोल दिया, मैं कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 1900 कॉलोनी का निवासी हूँ और पिछले 63 साल से यहाँ इसमें रह रहा हूँ, पर इस समय जो दुर्दशा यहाँ इस कॉलोनी की हुई हुई है, सड़कें बड़ी बुरी बेहाल हाल के अंदर हैं, नालियों की कंडीशन इतनी बुरी है कि वो सड़कों के ऊपर लेकर के और खड्डे हुए हुए हैं और इतनी स्मेल आती है, और प्रशासन को कई बार इसको बताते हैं, आगाह करते हैं हम कि इसको सफाई होनी चाहिए, लेकिन एक एक डेढ़ डेढ़ महीना इसके अंदर सफाई नहीं होती है। अगर सफाई होती है तो नाली का कचरा जो है कम से कम 15-20 दिन पड़ा रहता है, वो उठाने के लिए भी कोई बंदा नहीं आता है। इस कॉलोनी के अंदर पार्किंग जो है, कार पार्किंग जो आगे शॉपिंग सेंटर के एरिए से ऑफिस से हैं, वो गाड़ियाँ आगे खड़ी कर देते हैं, जो एक रास्ता निकलने का भी नहीं रहता है, और जो खड्डे हुए हुए हैं अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। इलाके में नॉनवेज की दुकान और शराब खाना बन गया है। यहाँ पर लोग अपने वाहनों में शराब पीते रहते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके कारण लोगों को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने अपने मकानों के बाहर अतिक्रमण कर लिया है जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में प्रवेश करने वाले मार्ग पर बरसों पहले से एक पियाऊ बनी हुई है जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा। यहां पर असामाजिक तत्व बैठकर मकानों की रेकी करते हैं और बाद में चोरियां करते हैं। दो दिन पहले एक व्यक्ति सामने के मकान में रहने वाली अकेली महिला को देखकर घर में घुस गया जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दी हुई है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यहां के पार्कों की देखरेख के अभाव में बाहरी छात्र छात्राएं यहां आकर के अश्लील हरकतें करते हैं जिससे आम आदमी परेशान है। हमारे न्यू कॉलोनी के अंदर दो पार्क हैं। ये दोनों पार्क बहुत अच्छे सुंदर बने हुए हैं। इन पार्कों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बाहर के आउटसाइडर लड़का लड़की आके गलत हरकत करते हैं। अब इनको हम भगाने की कोशिश करते हैं तो ये चाकू छुरे पे हमारे को दिखा के हमारे को धमकाते हैं, लेकिन हमारी वेलफेयर सोसाइटी अब एकजुट हो गई है, अब इनको हम खुद ही इनको भगाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने पुलिस को अवगत भी करा दिया गया है लेकिन पुलिस इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती। यहाँ एक प्याऊ जो बनी हुई है, प्याऊ के अंदर खंडर बना हुआ है वो बिल्कुल, उसके अंदर नशेबाज लोग आकर के बैठते हैं और शराब पीते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। दो दिन पहले ही जो है 15A न्यू कॉलोनी के अंदर सपना लड़की जो अकेली रहती है उसके अंदर आकर के एक बदमाश से 4 बजे से भी घंटी बजा करके अंदर कूदने की कोशिश की और इसी तरह के हादसे हो रहे हैं। ये कॉलोनी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है जिसके अंदर जो कि चारों तरफ से मेन झालावाड़ रोड, गोर्धनपुरा रोड, शॉपिंग सेंटर और गुमानपुरा से जुड़ी हुई है और इसी के अंदर से आसपास से आते हैं। और शीतला माता मंदिर जो कि यहाँ का एक फेमस मंदिर है, खाली कॉलोनी निवासियों का नहीं है बल्कि कोटा वासियों का और प्रदेश के आसपास के लोगों भी इसके अंदर आते हैं। उस सड़क के ऊपर इतने खड्डे हैं, कुछ कहने की दयनीय स्थिति होती है, जहाँ के अच्छे प्रोग्राम
चलते हैं साल भर के अंदर जो है माता के दर्शन के टाइम के ऊपर, शिव जी के उसके हर तरह के विचार विमर्श होते हैं। दो पार्क भी हैं इसके अंदर बने हुए, आश्रम भी हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उपलब्ध हैं। लेकिन जो दुर्दशा इस कॉलोनी की सड़कों की और नालियों की हुई हुई है, उसके अंदर इतनी डस्ट भी इतनी उड़ती है कि उसके अंदर सांस लेना भी आदमी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। कोई भी व्यक्ति निकलता है उसके पीछे 8-10 आवारा कुत्ते दौड़ते हैं। इसका कारण लोगों को खासकर महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। इस कॉलोनी में शीतला माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वहां से निकलने वाली सड़क पिछले 6 महीने से पूरी तरह बिखरी हुई है, जिसको ठीक करने के प्रति नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलोनी के लिए जिम्मेदार वार्ड पार्षद नरेश शर्मा का कहना है कि समस्याएं सही हैं, सड़कों का निर्माण शीघ्र ही शुरू करवाया जा रहा है। नालियों का जहां तक सवाल है, लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको तोड़ने नहीं दिया जाता। पहले यहां की सड़कों को नगर निगम ने ही ठीक करने से मना कर दिया था कि यह UIT के अंदर में है, लेकिन अब सड़कों को ठीक किया जा रहा है। वहीं महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि कॉलोनी की जो भी समस्या है उनको दूर करवाया जाएगा। यहां मेरे संज्ञान में अब आई है, इस पर विशेष ध्यान देकर कार्य करवाया जाएगा।